हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। आज की वीडियो आईपीयू एमसीए सेकंड स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग है। एक्चुअल में स्पॉट राउंड का मतलब इसमें मैं बता दिया हूँ कि क्या होता है एक्चुअल स्पॉट राउंड, कि स्पॉट राउंड का सब्र क्या होता है, उसमें अगर सब्र करते हैं स्पॉट राउंड का एक चांसेस होते हैं कि हम इस कॉलेज तक पहुँच सकते हैं, वो बता दूंगा। इसके अलावा स्पॉट राउंड में सर जी कितनी चीज़ें शेड्यूल हुई हैं, कब कब होने वाली हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा और कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो जो भी बच्चे देखना चाह रहे हैं चीज़ों को, उसको ध्यान से देखिएगा। और तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वैकेंट सीट, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई थी मेरे चैनल पर, उसमें बताया था कितने वैकेंट सीट है, इसमें एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। टोटल सेकेंड स्पॉट राउंड के लिए 76 सीटें खाली थी, जिसमें हर कॉलेज का आपको आगे नाम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज का, ठीक है। एक इसमें आपको देखिए मेन कॉलेज जो दिखता है जिसका नाम है USIT, उसमें 8 सीटें खाली हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ जो है इसमें 2 शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट 1 में भी आपको 4 सीटें खाली हैं एंड शिफ्ट 2 में 3 सीटें खाली हैं, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, CDAC में भी 3 सीटें खाली हैं। इसके अलावा अच्छे कॉलेज में आता है आपका जिम्स, जिम्स में भी 2 सीट यहाँ खाली है और 3 सीट यहाँ खाली है। और एक अच्छा कॉलेज आप ये भी जान रहे हो कि आपका BC IIT बनारसी था चंडी वाला, वो भी है अच्छा, तो 5 सीटें यहाँ भी खाली है। तो ये सब अच्छे से सीटें खाली हैं जहाँ पर आप मौका है आप ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को अलॉट हुआ है उनको अभी क्या क्या करना है, शेड्यूल चीज़ें क्या है, जैसे कि 3 तारीख से 7 दिसंबर तक उनको अपनी चॉइस फिलिंग जो सब चीज़ें था, रजिस्ट्रेशन सब कुछ करना था, उनको वो कर चुके थे, ठीक है। और उसी उनको फीस देनी थी, सब कुछ देना था। और मैक्सिमम बच्चे सेकंड स्पॉट में, बहुत कम बच्चे नए आए होंगे, जो पुराने थे उन्होंने अगर फ्रीज नहीं किया था, फ्लूट किया था, तो उनके लिए मौका था। अब जो बच्चे सेट का एग्ज़ाम दिए थे, सेम कंडीशन उनके लिए 3 से 7 के बीच में था और 8 से 9 के बीच में उनको फिलिंग चॉइस करनी थी 8 और 9 दिसंबर को। अब नेक्स्ट क्या करना, आगे क्या करना, अब क्या करना, जिनको अलॉट हो गया है उनको क्या करना कि जिस दिन अलॉट हुआ है उसके बाद से सेकंड स्पॉट राउंड, ध्यान से देखिए, सेकंड स्पॉट राउंड में काउंसलिंग का जो स्पॉट रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उसके बाद से 14 दिसंबर तक आपको 40,000 का पेमेंट करना है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऑलरेडी पेमेंट किए हुए थे, कुछ बच्चों का डाउट आया कि सर पेमेंट कर दिए तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, हाँ अगर आपने पहले पेमेंट किया था और आप सिर्फ अपनी सीट को अपग्रेड करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किए थे तो आपका 40,000 रुपये कट जाएगा, वही चीज़ आपकी एडजस्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। आपको एक्स्ट्रा 5,000 और देना होगा, सीट अपग्रेडेशन चार्ज होता है वो आपको देना होगा सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा या ऑफर लेटर फॉर एडमिशन होगा, वो भी आपका जो प्रिंटिंग होगा वो इन्हीं के बीच में होगा, मतलब जैसे आपने पेमेंट किया आपने उसको डाउनलोड भी तुरंत कर लीजिएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको संभाल के रखिएगा, जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपका लगेगा हर जगह, ये लगने वाला आपके पास एक यही प्रूफ होगा कि आपने इस कॉलेज में इतना फीस दिया, इतना आपको इस कॉलेज को एडमिशन हुआ है, वो एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है, उसको खोइएगा मत, गायब मत हो। इसके अलावा अगर अभी भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं कि आपने पेमेंट कर दिया है और आप 40,000 का विड्रॉ कर सकते हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है, आप विड्रॉ 40,000 रुपये का कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर चाहे कि मुझे अलॉट हो गया है मैं नहीं लेना चाहता हूं, तो आपको 14 दिसंबर के पहले ही आपको विड्रॉ भी कर लेना है, नहीं तो उसके बाद आपका ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 14 दिसंबर, ठीक है। अभी जो भी टाइम है आप तब तक इसका ये काम कर सकते हैं, 2 दिन टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिपोर्टिंग है कॉलेज में, कब रिपोर्ट करना है अपनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो वो डेट है कि 15 तारीख से 17 दिसंबर के बीच में आपको रिपोर्ट करना है, सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग में क्या है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट में आपका 10th का मार्कशीट्स होंगे, 12th के मार्कशीट्स होंगे, ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स होंगे, इसके अलावा आपके आधार कार्ड होंगे, आपके पेरेंट्स की कुछ डिटेल्स होंगे और इस चीज़ें आपकी लगेंगी वहाँ। उसके अलावा काफ़ी और चीज़ें लगने वाली, उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, माई चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा और क्या क्या लगने वाली है सब डिटेल बताया हूँ मैंने हर उस वीडियो में, ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होगा, तो वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा। इसके अलावा आपका जो फीस होगा, रिमेनिंग फीस 40,000 के बाद जितना भी फीस आपका लग रहा है, जिस भी कॉलेज में, मान लीजिए आपको भारतीय विद्यापीठ मिल गया और 40,000 आपने पेमेंट किया, 162 का फीस है, तो रिमेनिंग जितने फीस हो रहे हैं 122, वो आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग के टाइम पे पेमेंट करना होगा। एक डाउट और है बच्चों का कि ऐसे बच्चे
जो जो अभी कॉलेज नहीं जा सकते किसी वजह से, कोई कंडीशंस ऐसी हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो उनको कॉलेज में कॉल करना होगा, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी, और जो 40,000 का पेमेंट आपने किया है उसके बारे में बताएंगे, चाहे मैं पेमेंट कर दिया है, और जो रिमेनिंग फीस है वो मैं ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो जो वहाँ का फैकल्टी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो आपको बोलेगा कि पहले आप अपना एडमिशन लेटर भेजिए, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर देंगे, उस अकाउंट नंबर आपको सबमिट करना है ऑनलाइन ही, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सारे भेजने होंगे उनको ऑनलाइन, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम 1 हफ्ते 10 दिन आप नहीं जा सकते कॉलेज में, तो ये काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा, इसके बिना आपका काम नहीं रुकेगा। ये IPU के सभी कॉलेज के लिए ये फैसिलिटीज है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं उनको ये फैसिलिटीज मिलेगी और ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपको है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कि लेटेस्ट अपडेट हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर दोनों मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। इसके अलावा इसको शेयर करिएगा, कोई डाउट है कुछ कन्फ्यूजन्स है तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको MCA में आने वाले हर चीज़ों की, हर ज़रूरतों की जो वीडियो होगी वो यहाँ पर मिलेंगी, चाहे आज की हो चाहे कल की ज़रूरत हो, MCA में जो भी नीड होगी वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेकपुर इन्फो, कीप सपोर्टिंग टेकपुर इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन।